एक और चीज़ है, 2018 में मेरे को इतना प्रेशर था, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सारी चीज़ों का प्रेशर, इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा था, मुझे उस वक्त राखी से नहीं भिड़ना था। आप वीडियोस को देखो, इतना उसने गंद मचाया है, उसकी अग्रेशन जो है ना, मैं मैच नहीं कर सकती, मुझ में वैसी वाली अग्रेशन है ही नहीं। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा भी था, कौन सा घोड़ा पीती है बहन, मेरे को बता दें। इतना लड़ने की जो उसमें अग्रेशन है, हर रोज़ तो ओशिवारा पुलिस थाने में आके उसके कितने, उसके हर साल हस्बैंड को जेल भिजवाना, ये कैसे करती है, मैं कैसे कम्पीट करूं यार ऐसे लोगों के साथ। ये जो शैतानी और जो दैत्य वाली जो शक्तियां हैं ना, मुझे शायद थोड़ी और कुछ साधना करनी पड़ेगी इन लोगों से लड़ने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। मैं अभी कुछ दिन पहले भगवान से बोल रही थी कि अब मुझे ना शक्ति दो, लड़ने के लिए शक्ति दो, मैं थक जाती हूँ। मैं हफ्ते भर पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, इंटरव्यूज़ किए, मैं पिछले एक हफ्ता पूरा मैं थकी हुई थी, बीमार हो गई थी, थोड़ा सा उठ नहीं पा रही थी, ज़्यादा शक्ति नहीं थी। मैंने अपना कुछ कुछ किया, अपनी साधना शुरू की, अब थोड़ा सा एनर्जी आया है, FIR करना है तो ये मैं कर रही हूँ, ये प्रक्रिया इसकी है, करनी पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों को पब्लिक तोल देना बंद कर दे, क्योंकि पब्लिक इनको जाने देती है, इनकी कॉमेडी में आ जाती है, लेकिन कॉमेडी की आड़ में आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ये सही नहीं है। इंसान इंसानियत छोड़ देगा अपनी, अपनी ईमानदारी छोड़ देगा जब यंग जनरेशन देखेगी ना कि इस तरह के लोग कुछ भी करके निकल जाते हैं, ये सही नहीं है। अच्छा, क्या क्या कंप्लेंट्स भी, क्या क्या चार्जेस लेंगे? देखिए, जैसे मेहनत में जो मजदूरी करने कर रहा होता है, क्या करें इंसान बताओ। और फिर अगर एक वक्त भी आता है कि चलो फ्री है अभी, अब कर सकते हैं, तो सवाल पूछते कि अभी क्यों, अरे कब करें। इंसान जब, इंसान में जब क्षमता होगी, जब समय होगा अपने काम काज को छोड़ के, तभी इंसान एक्शन लेगा ना। मेरे और तो कोई दुश्मन है नहीं, मैं वैसी तो हूँ नहीं राखी सावंत के जैसे कि हर साल किसी नए इंसान को लेकर उस पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दूँ। मैं, मुझ में उतना संयम है और क्लैरिटी है, मैंने इतनी सारी पिक्चरें की। कभी आप लोगों ने सुना कि मेरे किसी सेट पे झगड़े हुए हैं? कभी आप लोगों ने सुना कि किसी हीरो के साथ मेरी फ़ाइट हुई या किसी हीरोइन के साथ मेरी फ़ाइट हुई? मैंने 16 फिल्में करी हैं, मेरी फिल्में हिट गई हैं, मैंने 5 साल मैंने जम के काम किया, मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टेज शोज़ किए, मैंने इवेंट्स किए, ब्रांड्स का काम किया। कभी आपने सुना कि कहीं मेरी झड़प हुई, मेरी कहीं फ़ाइट हुई? मुझे जहाँ पे जिससे साथ तकलीफ़ हुई, मैं तो उसी मुद्दे पे आज भी अड़ी हूँ। मैं हर रोज़ हर साल नए नए लोगों के ऊपर एलिगेशन तो लगाती नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ चुपचाप। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, अच्छे से काम किया, आप उनको जाकर पूछो मेरी रेपुटेशन कितनी अच्छी है। इस नाना पाटेकर ने, इस राखी सावंत ने मेरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा दी ना, मुझे यहाँ काम चैन से काम करने दिया। अमेरिका में भी जाके मुझे काम काज को लेकर बहुत तकलीफें हुई, अलग अलग झूठे झूठे एलिगेशंस लगाए, पर्सनल लाइफ पे अटैक किए, झूठे एलिगेशंस लगाए, शादीवादी की चीज़ें मेरी स्पॉइल हो गई। तो ये शैतानी लोग हैं, इनकी शैतानी प्रवृत्ति है, इनको झूठ के बेसिस पर अपना साम्राज्य चलाना है, और उनको ये भी पसंद नहीं कि कोई उनको आईना दिखाए। ये प्रताड़ित करेंगे सामने वाले को और चाहेंगे कि सामने वाला प्रताड़ित हो जाए और चुपचाप सह ले। अरे भाई क्यों सहे, भगवान ने पैदा किया है, धरती पे लाया है, ईमानदारी से अपनी रोटी कमाती हूँ, किसी के बाप का नहीं खाती मैं, मुझे चैन से जीने दो, मुझे चैन से काम करने दो, बस यही मेरी इच्छा है। न मेरी कोई एम्बिशन थी कि मैं कोई महारानी बन जाऊँ। परेशान भी करेंगे, कंप्लेन भी मत करो, कुछ बोलो भी मत, क्या है यार, क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा तनुश्री मैम, एकाएक क्या बात हो गई जो कि 4 साल के बाद तनुश्री दत्ता जाग गई और कंप्लेन करने आ गई? इसके पहले क्यों नहीं कंप्लेन की नाना पाटेकर के खिलाफ इस तरह की? नहीं, जागने की बात नहीं है, नाना पाटेकर के खिलाफ तो 2018 में कंप्लेन मेरी दर्ज हो गई थी। तो ये नाना पाटेकर को लेकर, मूवी को लेकर, हाँ, जो कंप्लेन जो है ये राखी सावंत पे, नहीं राखी सावंत का ये कंप्लेन है। नाना पाटेकर का कंप्लेन 2008 में भी दर्ज हुआ था FIR, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही की नहीं थी और पुलिस ने उसको ठीक से किया नहीं था। इसे 2018 में वापस से मैंने उस चीज़ को किया और वहाँ पे भी प्रेशर में आके बहुत मेरे विटनेसेस को डराया धमकाया गया और विटनेसेस को यहाँ वहाँ किया गया। राखी सावंत का जो मामला था, 2018 में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी मीटू मूवमेंट के टाइम पे, क्योंकि इतना मुझ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा था और मुझे US वापस भी जाना था, क्योंकि यहाँ से तो लोगों ने परेशान किया, तो वहाँ पे मेरा काम वाम था, मुझे वापस जाना था। तो अब जब मैं वापस आई हूँ और अब मेरे पास वक्त है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मुझे तो देखने वाला कोई नहीं है ना,
मेरे आगे पीछे कोई नहीं मुझे देखने वाला, तो मुझे तो अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ेगी ना। मैं यहाँ बैठी रहूँ, ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर करती रहूँ, मुझे काम यहाँ रहने नहीं दोगे, यहाँ जीने नहीं दोगे, यहाँ काम नहीं करने दोगे। भाई मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो मैं काम करूँ, कुछ करूँ, अपना जीवन का आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ को तुरंत कर देना। और राखी सावंत जैसी जो लोग होते हैं, वो जितनी गंदगी कर देते हैं ना, सामने वाला इंसान इतना धक्के से शॉक हो जाता है कि सामर्थ्य आपका टूट जाता है कि आप डील कैसे करें। अभी तो मैं वीडियोस ब्रीफ में बहुत ही संक्षिप्त में मैं इंडिविजुअल इंटरव्यूज में इसका वर्णन कर सकती हूँ, लेकिन उज्जैन में दो बार मेरे ऑटो जो वेटिंग में था उसके ब्रेक और क्लच फेल किए गए। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरीके से, बहुत खून बहा। एक मेड को मेरे घर पे मैंने रखा था, जो कुछ उसके अजीब से कॉन्टैक्ट्स थे, बहुत सारे झूठ वूठ बोल के आई थी, उसने मेरे खाने पानी में कुछ मिला रही थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत मतलब मरने जैसी हालत हो गई थी। वो एक घटना घटी। फिर एक बार मुझे किसी जगह पे धोखे से ले जाने की कोशिश की गई, और वहाँ ले जाके मेरे साथ पता नहीं क्या करते, लेकिन वो मैं समझ गई कि सेटअप है, सुपारी है, तो मैं वहाँ से हट के निकल गई। सारी चीज़ें, अलग अलग फ़ोन कॉल्स आना, धोखे से मुझे इम्पर्सोनेशन करके मुझे फंसाने की कोशिश करना, मुझे पागल प्रूफ करने की कोशिश करना, कमेंट्स करके, वीडियोस बना के, आर्टिकल्स छपवा के, कि ये क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ तो मेरी जीवन शैली नॉर्मल इंसान से अलग है। जो अध्यात्म से जुड़ा है उसका मार्ग ही अलग है। मैं मीडिया में इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कल्याण करना चाहती हूँ और मीडिया मेरा फील्ड है। तो अलग अलग चीज़ों से मुझे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये, ताकि जब मेरा मर्डर हो तो ये सुसाइड प्रूफ कर सके, खाने में चीज़ें मिला दी ताकि जब मर्डर हो तो ये प्रूफ कर सके कि अरे ये तो बीमारी से मर गई या हार्ट अटैक से मर गई। एक हेल्दी इंसान को अगर आप गलत गलत दवाइयाँ मिला के खिला दोगे ना तो इंसान ऐसे ही मर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, लेकिन भगवान है ना, वो इन शैतानों से कहीं बड़ा है। और जिसने भगवान ने डिसाइड करके रखा है कि ये तो ज़िंदा रहेगी, तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अब मैं एक्शन, एक तो मुद्दा शुरू हुआ है राखी का, वो उसी मुद्दे से कनेक्टेड है, क्योंकि मीटू मूवमेंट के टाइम पे राखी दर्ज हो गया है ना, राखी सावंत को वही प्रक्रिया चल रही है, वही प्रक्रिया चल रही है। अच्छा मैम, फाइनली मैम, आप जो वक्त भी किया गया है, तनुषी मैम ने मेरा शिकायत दर्ज की है, करते हैं उसका भी सब प्रक्रिया चालू है। अभी हम सारा डिटेल अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।